नमस्कार स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर। सो टुडेज टॉपिक वी विल टॉक अबाउट द प्रिजर्वेशन मेथड बाय रेडिएशन। रेडिएशन आपको विवीकरण भी बोलते हैं रेडिएशन को, एंड रेडिएशन इज अ मेथड विच वी विल टॉक अबाउट फॉर इन टुडेज सेशन। सो फर्स्ट स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। इट इज द मोस्ट इम्प्रूव मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब तक की मोस्ट इम्प्रूव मेथड हमारी क्या है? रेडिएशन है। ठीक है, रेडिएशन मेथड में क्या होता है, मेनली अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रिक्वेंसी हम यूज करते हैं। जो फ्रिक्वेंसी होती है वो रेंज करती है लो फ्रिक्वेंसी टू हाई फ्रिक्वेंसी ऑल्सो। और ये सारी फ्रिक्वेंसी ऑफ रेज हम किस में यूज करते हैं? फूड में यूज करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी आपकी आवृत्ति होती है, और ये फ्रिक्वेंसी आपकी जो होती है वो लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन विच काइंड ऑफ फूड आप किस फूड में किस फ्रिक्वेंसी की रेज एड कर रहे हैं। ठीक है, देर आर सम एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन। फर्स्ट इज योर यूवी रेडिएशन, जिसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी बोलते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन, एंड द थर्ड वन इज माइक्रोवेव हीटिंग। तो ये सब आपके क्या है, रेडिएशन के एग्जाम्पल्स है। नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ रेज, कौन कौन कैसी रेज आपका यूज होती है। ठीक है, तो जनरली हमारी दो टाइप की वेज रेज यूज होती है। फर्स्ट आपकी लो फ्रिक्वेंसी होती है, सेकेंड आपकी हाई फ्रिक्वेंसी। सो एज द नेम सजेस्ट, लो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जिसमें लो वेव लेंथ होगी। ठीक है, जिसकी एनर्जी रेडिएशन की लेंथ लो होगी, और इसके एग्जाम्पल है आपका अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जिसमें वेव लेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी। ठीक है, मतलब लॉन्ग होगी बट शॉर्ट होगी। लो मतलब हाई तो होगी, फ्रिक्वेंसी हाई होगी बट वेव लेंथ क्या होगी, शॉर्ट ही होगी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है आपका आयनाइजिंग रेडिएशन। रेडिएशन यूज इन प्रिजर्वेशन। अब तक हमने लोअर हाई की बात करी थी टाइप्स में, अब हम पर्टिकुलर रेज की बात करेंगे कौन कौन सी रेडिएशन रेज यूज होती है। तो फर्स्ट इज योर अल्ट्रा वायलेट, यूवी लाइट भी कहते हैं इसे। सेकेंड इज योर बीटा रेज, थर्ड गामा रेज, फोर्थ एक्स रेज, एंड द फिफ्थ वन इज योर माइक्रोवेव। ठीक है, तो ये आपकी मोस्ट कॉमन रेज है जो यूज होती है। नाउ जर्नलाइज वे में अगर हम बात करें तो उन मोस्ट कॉमन रेज जो हमने बात करी है अभी तक, उसमें से भी सबसे मोस्ट वाइडली जो हमारी यूज होती है वो हमारी कौन सी होती है, गामा रेडिएशन। और गामा रेडिएशन की जो रेंज होती है वो आपकी क्या होती है, आपकी CO62 CS137 तक की इसकी क्या होती है, रेंज होती है। तो ये क्या आपकी न्यूमेरिक रेंज है, ये आपकी CO60 से लेके CS137 तक रेंज करती है। ये आपकी रेंजिंग कैपेसिटी है गामा रेडिएशन की। नाउ द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। अब हम रेडिएशन तो पढ़ रहे हैं, बट रेडिएशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे क्या एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कर रही है, इनहिबिट कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, किस किस को, तीन चीजों को। पहली चीज तो क्या है कि ग्रोथ, माइक्रोब्स की जो फेज ऑफ ग्रोथ है, मतलब जहां उनका ग्रोथ ज्यादा होती है, उस फेज को ये कर रही है, वो इनहिबिट कर रही है, रोक रही है। ठीक है, सेकेंड क्या कर रही है, जो उसके सेल फॉर्मेशन है, मतलब जो उसका फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ सेल है, जहाँ उसकी कोशिकाएं बन रही है, जो उसके सेल फॉर्मेशन है उसको वो इनहिबिट कर रही है। थर्ड वो कर रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस लोकेशन में रहे उन लोकेशन को भी वो कर रही है, रेज आपकी इनहिबिट कर रही है, और लोकेशन को भी ये कर रही है मतलब रेजिस्ट कर रही है, रोक रही है। ठीक है, जैसे आपका माइक्रोब्स एयर में भी हो सकते हैं, मीडिया कल्चर में भी हो सकते हैं, तो आपके जितने भी लोकेशन वाले एरिया है उसको भी वो रजिस्ट कर रही है, सेल के स्टेट को भी रजिस्ट कर रही है, एंड द और ये कर रही है ग्रोथ को भी रिड्यूस कर रही है माइक्रोब्स की। नाउ द एप्लीकेशन इन फूड इंडस्ट्री। अब जो हमने रेडिएशन मेथड पढ़ी है अभी तक, उसका एप्लीकेशन फूड इंडस्ट्री में किस किस तौर पे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपका क्या होगा कि आपके जितने भी बेवरेजेस होते हैं, बेवरेजेस मतलब कि जो भी आपके ड्रिंकिंग फूड ड्रिंक्स होती हैं उनको हम बेवरेजेस कहते हैं। वो फूड ड्रिंक मतलब जो आपकी है वो आपकी फ्रूट ड्रिंक्स भी हो सकती हैं, आपकी अल्कोहलिक बीवरेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ आपकी लिक्विड फॉर्म में है और पीने के पर्पस के लिए है वो आपकी क्या है, बेवरेजेस। तो उन बेवरेजेस में अगर हम लिक्विड डाल रहे हैं तो आपका एक सर्टेन अमाउंट तक क्या होता है, वाटर भी होता है। ठीक है, तो ये आपका जो वाटर को हम ट्रीट कर रहे हैं, पहले हम रेडिएशन मेथड वाटर पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो जो आपका रेडिएटेड वाटर होता है वो बेवरेजेस में यूज होता है इन फूड इंडस्ट्रीज। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, ट्रीटमेंट ऑफ नाइफ फॉर स्लाइसिंग ब्रेड, मतलब जहां पर आपका ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्लांट है तो वहां पे क्या होता है, उन ब्रेड्स की स्लाइसिंग होती है। ठीक है, ब्रेड तो आपका एक रोल पूरा बनता है बट एक उसमें स्लाइसिंग होती है अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज ऑफ अ ब्रेड। ठीक है, तो उनकी जो शेपिंग होती है, जो उनका साइज होता है, वो एक पर्टिकुलर नाइफ्स होते हैं
इंडस्ट्रीज में काफी बड़े बड़े, और उन नाइफ्स का भी जो क्या होता है, उन नाइफ्स को पहले हम हीट करते हैं, उन नाइफ्स को पहले हम रेडिएट करते हैं, उन नाइफ्स को भी पहले हम क्या करते हैं, ब्रेस से पास आउट करवाते हैं, उसके बाद वो ब्रेड को स्लाइस करते हैं। ठीक है, तो सेकंड आपका पॉइंट क्या हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ नाइफ्स फॉर स्लाइसिंग ब्रेड। थर्ड आपका होता है ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेड एंड केक्स, मतलब कि काफी सारी आपकी बेकरीज में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं ना, ब्रेड्स का भी और केक का भी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पॉइंट था। देन द फोर्थ वन इज पैकिंग ऑफ स्लाइस्ड बेकन। बेकन क्या होता है, बेकन एक टाइप का आपका नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, आपका पोर्क का मीट होता है, सॉल्ट क्योर्ड आपका पोर्क होता है, जो उसके मीट को हम बेकन बोलते हैं। तो आपके बेकन की जो स्लाइस होती है, उसकी पैकेजिंग के लिए भी आपका जो पैकेजिंग मटेरियल का क्या होता है, उसमें भी रेडिएशन मेथड का यूज होता है। द लास्ट वन इज सैनिटाइजिंग ऑफ ईटिंग यूटेंसिल, मतलब जिस यूटेंसिल्स में आप खा रहे हैं या फिर आपके ईटिंग पर्पस के लिए है, उनको भी सैनिटाइज करने का काम करता है रेडिएशन मेथड। ठीक है, तो रेडिएशन मेथड अगर आप अपने हाउस होल्ड लेवल पे देखें, तो आप अपना माइक्रोवेव्स, ओवंस, दीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अगर आप हाउस होल्ड लेवल पे देखते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत सारी आयनाइजिंग रेज होती हैं, यूवी रेज होती है, इंफ्रारेड्स होती हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल डिपेंड, बट हाउस होल्ड लेवल पे अगर मोस्ट कॉमनली होती है आपकी, तो आपके माइक्रोवेव्स होते हैं, आपके ओवंस होते हैं, तो उसमें आपकी क्या होती है, आपकी रेज होती है जो आपके फूड को प्रिजर्व करती है। सो दिस इज ऑल विद द रेडिएशन मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। So in case of any doubt, you may ask in the comment section. Thank you.